नवी कक्षा के तीसरी भाषा हिंदी रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। लिंग परिवर्तन के नियम भी जाने थे, कैसे हम परिवर्तन करेंगे। आज हम व्याकरण विभाग के वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम यह जानना है हमको वचन किसे कहते हैं। तो गणनीय शब्दों के विकारी रूपों को वचन कहते हैं। तो विकारी रूप कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये है विकारी रूप। तो ये विकारी रूप में हमेशा परिवर्तन होता है। तो ये विकारी रूपों का जो परिवर्तन होता है उसे जैसे उसे वचन कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द के आधार पर विशेषण, सर्वनाम और क्रिया के वचन बदलते हैं। इसे संज्ञा, इसे लड़का, छात्र, ये एक एक संज्ञा शब्द है। तो इनके आधार पर, इस संज्ञा शब्द के आधार पर जो विशेषण, सर्वनाम और क्रिया के वचन भी बदलते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो पहले भी तो हम जान चुके हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध होता है, वो वस्तु हो या प्राणी हो, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण, घोड़ा, पुत्र, पुस्तक, माला, ये सब एक वचन में है। बहुवचन, बहुवचन किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, पुत्र, पुत्र, पुस्तक, पुस्तके, माला, माला। तो इस तरह से कोई बदलता है तो कोई अपरिवर्तित रहता है। जैसे एक वचन में ये पुत्र रहा, बहुवचन में ही पुत्र रहा, परंतु ये तीनों का, ये तीन संज्ञा शब्द बदल गए बहुवचन। तो इसी तरह से एक वचन से बहुवचन का परिवर्तन होता है। अब देखेंगे प्रत्येक संज्ञा के तीन तीन रूप उपलब्ध है। कौन कौन सा रूप? जिसे कहा हमें मूल रूप, पारसर्ग रहेगा, जिसमें कोई पारसर्ग नहीं लगता। जैसे लड़का, बालिका, ये मूल शब्द में है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें पारसर्ग नहीं लगा है। और ख, पारसर्ग युक्त रूप, पहला आता है मूल रूप, दूसरा आता है पारसर्ग युक्त रूप। जैसे लड़के को, बालिकाओं का आदि, ऐसे होता है। लड़का, इसमें पारसर्ग लग गया, को का, ये सब पारसर्ग जब युक्त हो गया तब इसमें परिवर्तन आ गया, लड़के को, बालिकाओं का। और तीसरा जो रूप है संबोधन रूप, जैसे हे लोग, अरे बहनों, अरे भाई, इसी तरह से परिवर्तन होता है। शब्दांत मात्रा की दृष्टि से पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में दो वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे आकारांत शब्द, लड़का वर्ग, पुल्लिंग आकारांत है लड़का। दूसरा है अन्य मात्रा के शब्द, बालक वर्ग, पुल्लिंग अन्य सभी मात्रांत। स्त्रीलिंग बहुवचन में भी दो वर्ग पाए जाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई कारांत तथा या में अंत होने वाले शब्द, लड़की वर्ग। दूसरा अन्य मात्रा के शब्द, बालिका वर्ग। अब देखेंगे वचन परिवर्तन के नियम। नियम एक, लड़का वर्ग परसर्ग रहित संज्ञा रूप। एक वचन जैसे लड़का और बच्चा, बहुवचन में लड़का लड़के, बच्चा बच्चे। उसी तरह से घोड़ा घोड़े और पंखा पंखे, बकरा बकरे, कमोरा कमरे। देखिए एक वचन की आ मात्रा बहुवचन में ए हो जाती है, जैसे बकरा आ, अंत में आ, तो जब बहुवचन होता है उसमें ए होता है। कमरा कमरे, लड़का लड़के, बच्चा बच्चे। अभिनेता, कर्ता, दाता, देवता, पिता, योद्धा, राजा, विक्रेता, सखा, काका, जीजा, दादा, नाना, पापा, फूफा, मामा, अब्बा।
अल्लाह आदि शब्द हो दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे हमने देखा था पुत्र वैसे ही रहा, उसी तरह से ये जो शब्द दिया है अभिनेता कर्ता से प्रारंभ करके अब्बा अल्लाह आदि शब्द दोनों वचन में समान रहते हैं। परसर्ग रहित परसर्ग सहित संज्ञा रूप, अब देखेंगे परसर्ग लगने से किसे बदलता है। एक वचन में लड़के ने बच्चे की बकरे से, बहुवचन में लड़कों ने, ने प्रत्यय ने परसर्ग लगा है, लड़कों ने बच्चे की एक वचन में बच्चों की, बकरे से एक वचन, बहुवचन में बकरों से, उसी तरह से एक वचन घोड़े का, बहुवचन घोड़ों का, पंखे में पंखों में, कमरे के लिए कमरों के लिए, तो बहुवचन में ओ कारण लग गया। यहाँ एक वचन में ए और बहुवचन में ओ लगाने के बाद परसर्ग जुड़ता है, जैसे लड़का इसमें ए लगाने से लड़के ने, घोड़ा ओ से घोड़ा घोड़ों से, तो इसी तरह से परिवर्तन होता है। संबोधन रूप एक वचन बहुवचन, जैसे लड़के लड़के, बहुवचन में भी लड़के, बच्चे बच्चों, लड़की लड़कियों बहुवचन में उसी तरह से यहाँ ए जोड़कर संबोधन रूप बनाया जाता है, जैसे जैसे नियम दो बालक वर्ग परसर्ग रहित संज्ञा रूप, जैसे फिर एक वचन बहुवचन, एक वचन में दिया है बालक, बहुवचन में बालक, घर घर, मुनि मुनि, हाथी हाथी, यह परसर्ग रहित संज्ञा रूप है। गुरु गुरु, भालू भालू, रेडियो रेडियो, फोटो फोटो, यहाँ एक वचन और बहुवचन किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों का त्यों रहता है, एक वचन में जैसे होता है बहुवचन में भी वैसे होता है। याद रखिए कि पुल्लिंग आकारांत शब्द एकारांत होते हैं, अन्य स्वरांत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे परसर्ग सहित संज्ञा रूप एक वचन और बहुवचन में देखिए, बालक ने बालकों ने, घर का घरों का, मुनि से मुनियों से, हाथी पर हाथियों पर, गुरु ने गुरुओं ने, भालू को भालुओं को, रेडियो पर रेडियो पर रेडियों पर, सिर्फ बिंदी लगाए, फोटो में फोटो में, यहाँ बहुवचन में ई छोटी ई बड़ी मात्रा या में और अन्य मात्राएं ओ में बदल जाती है, शब्दांत दीर्घ मात्रा ह्रस्व मात्रा हो जाती है। इसको याद रखिए बच्चों, शब्दों संबोधन रूप एक वचन बहुवचन, जैसे बालक बालको, मित्र मित्रों, साथी साथियों, गुरु गुरुओं, यहाँ एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुवचन में ई ई मात्रांत शब्दों के साथ यो जोड़ता है। जैसे साथी साथियों, तो इसी तरह से कैसे बदलता है इसको याद रखिए। अन्य मात्रांत शब्द में ओ जोड़ता है, जैसे सभा में संबोधित करते समय सज्जनों और देवियों कहिए, सज्जनों और देवियों नहीं, सज्जनों और देवियों ऐसे कहते हैं। जैसे नियम तीन लड़की वर्ग परसर्ग रहित संज्ञा रूप, नियम तीन लड़की वर्ग परसर्ग रहित संज्ञा रूप, जैसे एक वचन बहुवचन में लड़की लड़कियां, जाति जातियां, बुढ़िया बुढ़िया, बुढ़िया इसमें सिर्फ चंद्रबिंदु लगा है, जाति जातियां सिर्फ चंद्रबिंदु लगा है, गुड़िया गुड़ियां, नदी नदियां, तिथि तिथियां, खटिया खटियां, स्त्री स्त्रियां, बहुवचन में छोटी ई बड़ी ई या का यहाँ हो जाती है और शब्दांत दीर्घ मात्रा ह्रस्व मात्रा हो जाती है। जो शब्दांत है नदी, नदी
स्त्रीलिंग रूप है और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। ये जब बीच में आता है जो शब्दांत जो दीर्घ मात्रा वो ह्रस्व हो जाती है, जैसे नदियाँ, इसमें जो दीर्घ मात्रा था दीर्घ ई वो छोटी ई हो गई। तो इसको बच्चों अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि मात्रांत में थोड़ी सी भी लिखावट में गलती हो गया तो वो गलती माना जाएगा। जैसे स्त्रियाँ, स्त्री दिखिए ये बड़ी ई की मात्रा है, परंतु जब ह्रस्व शब्दांत दीर्घ मात्रा ह्रस्व हो जाती है, इसी कारण ये भी स्त्रियाँ जब लिखा है वो छोटी ई की मात्रा बन गई है। जैसे दो है छोटी ई बड़ी ई, नदी तिथि नाली मिठाई आदि शब्दों में यहाँ जुड़ता है। तीन आ ऊ ओ, जैसे नायिका नासिका लता ऋतु धेनु झाड़ू गौ आदि शब्दों के साथ ये लगता है। जैसे नदी नदियाँ तिथि तिथियाँ नली नलियाँ मिठाई मिठाइयाँ, उसी तरह से नायिका नायिका नासिका लता ऋतु धेनु झाड़ू गौ आदि शब्दों के साथ ये लगता है। नायिका नायिकाएं नासिका नासिकाएं लता लताएं ऋतु ऋतुएं धेनु धेनुएं झाड़ू झाड़ूएं गौ गौएं। परसर्ग सहित संज्ञा रूप, एक वचन बहुवचन, जैसे बालिका ने बालिकाओं ने, रात में रातों में, वस्तु में वस्तुओं में, झाड़ू में झाड़ू से झाड़ुओं से, माता को माताओं को, बात के लिए बातों के लिए, बहू का बहुओं का, गौ पर गौओं पर। तो यहाँ एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुवचन में ओ जुड़ता है, शब्दांत दीर्घ मात्रा ह्रस्व हो जाती है। इसको याद रखो बच्चों, जैसे बहू यहाँ बड़ी ऊ है और छोटी ऊ में परिवर्तन होता है बहुओं में। ये छोटी छोटी बातों को अगर याद रखोगे तो गलतियाँ नहीं होगा। संबोधन रूप, एक वचन बहुवचन, जैसे बालिका बालिकाओं, बहू बहुओं, माता माताओं, गौ गौओं, यहाँ एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता और बहुवचन में ओ जुड़ता है, शब्दांत दीर्घ ह्रस्व हो जाती है। ये भी उसी तरह से पूर्व पूर्व की तरह ये भी दीर्घ मात्रा ह्रस्व हो जाती है। बच्चों आज जितना हमने पढ़ाया आप इसको अच्छी तरह से किताब देख के अध्ययन करो और इसको याद रखो, उसके नियम को याद रखोगे तो तुम्हारा वचन परिवर्तन में कोई गलतियां नहीं होगा। और बाद में हम इस विषय में जो अभ्यास कार्य है इसके अध्ययन करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।